And write it too. Nirmiti, सेंटर फॉर लर्निंग Resources, पुणे वी लर्न इंग्लिश आओ अंग्रेजी सीखें। पार्ट ग्यारह मैं सुनीता दीक्षित उर्फ आप सबकी सुनीता दीदी अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने राज्य से बाहर रहने वाले लोगों से भी मिलते हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं उनसे आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं कैसे आओ सुनते हैं रंजना और संतोष कैसे बोलते हैं ग्रेट ओ माधवन व्हाट अ टाइम वी हैड। हैड यू द एड्रेस। वी टू गो राउंड राउंड रिक्शा फोर्टी रूपीज वाह वाह आ गया माधवन का दोस्त कम इन दिस इज संतोष एंड दिस इज रंजना दे आर माई नेबर्स हाय संतोष हाय रंजना हाय दिस इज माई फ्रेंड गणेश सुनीता दीदी कैन यू हैव समी प्लीज मैं मैं बनाता हूँ कॉफी मुझे आती है बनानी संतोष यू कैन मेक कॉफी गुड हाँ तू कॉफी बना तब तक मैं भैया लोगों से अंग्रेजी में बात करती हूँ यस गणेश दीस चिल्ड्रन कैन स्पीक इंग्लिश नाउ रंजना एंड संतोष यू कैन स्पीक इन इंग्लिश टू माई फ्रेंड संतोष कॉफी आई स्पीक इंग्लिश ए रंजना ये क्या है मालूम है बहुत होशियार है तू अच्छा अच्छा रुको रुको एक तरकीब बताती हूँ पहले संतोष जाकर कॉफी बनाएगा और तब तक तू गप्पे मार ठीक है बाद में कप धोकर तू रखेगी और तब संतोष गप्पे मारेगा हुँ? ठीक है ठीक है, ठीक है। रंजना ओके okay, रंजना स्टार्ट प्रैक्टिस योर इंग्लिश विथ माय फ्रेंड उससे कोई सवाल पूछ उसके बारे में कुछ जान कुछ समझ वॉट इज योर नेम मई नेम इज गणेश How old are you? I am 21. Where do you live? I live in Chennai. How many brothers and sisters do you have? I have two sisters and no brother. Excellent, Ranjana. That was very good. अरे वाह संतोष ट्री में कब कितने बढ़िया से सजा के लाया है और इतने झटपट वेरी वेरी गुड गुड कॉफी संतोष थैंक यू संतोष हाउ ओल्ड आर यू आई एम लेवन विच स्कूल डू यू गो टू विवेकानंद स्कूल विच क्लास आर यू इन आई एम इन क्लास फाइव आई एम brothers इन क्लास have? संतोष हाउ मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स डू यू हैव वन ब्रदर हिज नेम इज राजू ही इज fourteen. अच्छा रंजना जी आप थोड़ी देर संतोष को भी कुछ बोलने देंगी हाँ प्लीज आप कब धोखे आइए तब तक ठीक है Santosh, what is your sister's name? My sister's name is Munya. How old is she? She is five. How old is your brother? He is nine. Have you finished, Ranjana? Kap dale? Yes, I have finished. Ho gaya. Good. Now you tell Ganesh about your mother and father. Ranjana, what does your mother do? My mother is a housewife and my father is a farmer. Ranjana and Santosh, very good. Madhavan, they speak good English. Yes, they speak with me and they have learnt really well. Okay, come on. Once again. Santosh, how old are you? I am 11. Which school do you go to? Vivekanand School. Which class are you in? I am in class 5. How many sisters and brothers do you have? I have one sister and one brother. What is your sister's name? My sister's name is Munya. How old is she? She is five. How old is your brother? He is nine. Good. Now, Ranjana, you tell Ganesh about your mother and father. Ranjana, what does your mother do? My mother is a housewife, and my father is a farmer. Ranjana and Santosh. वेरी गुड आज के पाठ में आपने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं अब आप इन्हीं वाक्यों को दोबारा सुन पाएंगे ध्यान से सुनिएगा हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे टीचर जी आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे टेल मी अबाउट योर सेल्फ माई नेम इज माया ठाकुर आई एम टेन आई लिव इन गोपालपुरा आई गो टू विवेकानंद स्कूल आई एम इन क्लास फाइव चलो एक बार फिर से मुझे अपने बारे में बताओ टेल मी अबाउट Yourself. My name is Maya Thakur. I am ten. I live in Gopalpura. I go to विवेकानंद स्कूल आई एम इन क्लास फाइव सुनने वाले दोस्तों अब आपकी बारी है स्कूल में या घर में आप जहां भी हो, मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा बिना किसी शर्म के और बिना किसी डर के इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी क्या तुम भी अपने बारे में ये पांच वाक्य बोलना चाहोगे अपना नाम उम्र कहाँ रहते हो कौन सी पाठशाला में जाते हो किस कक्षा में पढ़ते हो ये सारी बातें बताओगे ना चलो घंटी बजने पर एक बच्चा खड़ा होगा और खुद के बारे में ये सब बताएगा अपने बारे में अंग्रेजी में बताओ टेल मी अबाउट योर सेल्फ अब दूसरा कोई टेल मी अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में अंग्रेजी में बताओ नाम उम्र कहाँ रहते हो किस पाठशाला में जाते हो और किस कक्षा में पढ़ते हो ये सब बताना है टेल मी अबाउट योर सेल्फ अब कोई और बच्चा टीचर जी घंटी बजने पर किसी और लड़के या लड़की को खड़ा करेंगे टेल मी अबाउट योसेल खुद के बारे में अंग्रेजी में बताओ नाम उम्र कहाँ रहते हो किस पाठशाला में जाते हो और किस कक्षा में पढ़ते हो ये सब बताओ गुड टीचर जी घंटी बजने पर किसी और लड़के या लड़की को खड़ा करेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ खुद के बारे में अंग्रेजी में बताओ गुड टीचर जी घंटी बजने पर किसी और लड़के या लड़की को खड़ा करेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ खुद के बारे में अंग्रेजी में बताओ टीचर जी अलग अलग बच्चों से टेल मी अबाउट योर सेल्फ ऐसे पूछेंगे और साथ ही साथ बच्चों को खुद के बारे में अंग्रेजी के पांच वाक्य बोलने में मदद भी करेंगे याद है ना नाम उम्र कहाँ रहते हो किस पाठशाला में जाते हो और किस कक्षा में पढ़ते हो ये सब अंग्रेजी में बताना है अगले पंद्रह मिनट तक टीचर जी यही अभ्यास कराएंगे आज का पाठ यही समाप्त हुआ तो अब फिर मिलेंगे कब अगले पाठ का समय होगा जब